नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षत और आज आपका स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने चैनल AKS पियानो पे। आज हमारे सामने है कैसियो CTX 9009। इसका हम लोग आज रिदम बनाना सीखेंगे, यूजर रिदम। इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है यूजर रिदम बनाने के लिए, कि यहाँ पे यूजर रिदम्स हैं। इसमें CTX 9009 में आप 100 यूजर रिदम बना सकते हैं और 8000 में 50। तो अब कीबोर्ड ऑन करते हैं। फिर हमें क्या करना है, बी वाले बटन को दबाना है ताकि ये रेड लाइट जल जाए। उसके बाद हमें ये यूजर रिदम्स वाला बंद इसको प्रेस करना है। फिर एक एम्प्टी एम्प्टी चूज करना है। देखिए मैंने तो बना रखे हैं, जिसपे नो डेटा लिख के आ रहा हो, जिसपे नो डेटा लिख के आ रहा हो वो आप चूज कर लें, वो एम्प्टी है। फिर आपको क्या करना है, इसको फंक्शन बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, टू ड्रम लिख के आएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने गाने के हिसाब से। तो आप ये 8th वाला बटन दबा सकते हैं, एडिट मेन्यू, इसको दबाएंगे तो एलिमेंट लिख के आएगा। आपको एंटर एंटर करना है, मेजर 2 रखना है, 2, 3, 4 जो आप रखना चाहें। मैं इसमें 2 रखता हूँ। बीट चेंज कर सकते हैं और एग्जिट करिए। फिर एलिमेंट, फिर किसी पार्ट का मेजर और बीट चेंज करना है, ये एरो की से आगे बढ़ के पार्ट रिदम एलिमेंट, एग्जिट कर दें। फिर 2 ड्रम पे आ गए। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड स्टॉप बटन को दबाना है तो आप स्टैंड बाय में आ जाएंगे रिकॉर्डिंग के। अब जैसे ही आप ये स्टार्ट स्टॉप बटन दबाएंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर अभी हमें क्या करना है, थोड़ी और सेटिंग्स लगानी है, जैसे मेट्रोनोम और प्री काउंट। तो हमने एक बार दबा चुके हैं, फिर दबाना है, एक बार दबा चुके हैं और अब लॉन्ग प्रेस करना है तो लिख के आएगा क्वांटाइज, है ना। और इसके बाद हमें एरो की से आगे बढ़ना है, प्री काउंट। प्री काउंट इसमें एक प्री काउंट है, आप 2, 3 ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं एक प्री काउंट दूंगा, जो बीट पहले बजती है वो। और प्ले कॉर्ड मेट्रोनोम ऑन कर सकते हैं यहां से, मैंने ऑन कर दिया। एरो की से ही आगे बढ़ते जाना है और क्वांटाइज, मतलब ये मेनू खत्म। अब एग्जिट एग्जिट कर दें 4 नंबर से, एम्प्टी। अब ड्रम ड्रम अगर आपको चूज करने हैं तो टोन पे जाइए, स्टैंडर्ड 1 है, इसको आगे पीछे करके आपको जो लगाना है कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड 1 से बजाऊंगा। फिर रिकॉर्ड स्टॉप दबाइए और आपको जो बजाना है पहले सोच लीजिए क्या बजाएंगे। जैसे मैंने ये बजाना है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, अब देखिए यहां पे मुझसे गलती हो गई। तो अगर आपसे गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, कि ये रजिस्ट्रेशन मेमोरी में 2 नंबर का बटन दबाना है, क्लियर एलिमेंट लिख के आएगा, इसको एंटर नहीं करना। अगर इसको एंटर कर दिया तो आपकी पूरी रिदम खराब हो जाएगी। फिर आपको एरो की से आगे बढ़ के पार्ट में एंटर करना है, वो पूछेगा श्योर, यस करना है और एग्जिट कर देना है। ये क्लियर हो गई। अब फिर से रिकॉर्ड और स्टार्ट। जैसे इतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको स्टॉप करूंगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हैं। अब फिर से मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं इसी पे, ओवरलैप ड्रम्स। फिर से रिकॉर्ड, फिर स्टार्ट। इसमें लगातार बजा सकते हैं। फिर स्टॉप कर देंगे, ये हमारे ड्रम रिकॉर्ड हो गए, है ना। इसको सुन सकते हैं आप लोग यहां से। अब ये 2 ड्रम है, मतलब ये सेकेंड पार्ट है। अब आप यहां पे ये पार्ट बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है, रेड लाइट जल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कि 1 नंबर दबाएंगे तो 1 परक्यूशन लिख के आएगा। ये भी ड्रम किट खोलेगा, आप इससे परक्यूशन बजा सकते हैं ऐसे। ऐसे बजा सकते हैं। फिर अगर आप 3 पे जाएंगे तो ये आएगा बेस। अब आपको पार्ट ऑफ कर देना है।
अब बेस लाइन आपको हमेशा बेस लाइन, कॉर्ड्स, गिटार जो भी ऐड करेंगे वो हमेशा सी से बजाएंगे, सी। तो अब मैं इसमें बेस लाइन ऐड करने जा रहा हूं, ऑक्टेव शिफ्ट कर लेता हूं, तो इसको मैं एक बार बजा के देख लेता हूं। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ये रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग फिर पार्ट दबाएंगे, आगे फोर्थ बटन दबाएंगे तो कॉर्ड आ जाएगा, इसमें पियानो मिलता है। अब मैं पियानो ऐड करता हूँ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हो गया। ऐसे करके अगर पार्ट पे जाएं तो अगर सेवन दबाएंगे तो कॉर्ड फोर में स्ट्रिंग मिलती है। फिर पार्ट बंद करें, रिकॉर्ड करें, स्टार्ट करें। हर चीज इन द की ऑफ सी होनी है। अब जैसे ही मैंने ये रिदम बना ली, अब हमें क्या करना है, अगर इसको सुनना है तो अकॉम्प ऑन करें, स्टार्ट कर दें, और आप कोई भी कॉर्ड लगाएंगे अपने आप उस कॉर्ड पे जाएगा। देखिए जैसे आपने देखा, ये आप जो कॉर्ड लगा रहे हैं उस कॉर्ड से सिंक हो रहा है। अब ये आपका बन गया है ट्रैक, आपको इसको सेव करना है। तो यहाँ पे राइट का बटन है, राइट क्लिक करें तो पूछेगा श्योर, आपको बोलना है यस, कंप्लीट। फिर आपको करना क्या है, सिंपली एग्जिट दबा देना है और यहाँ लिख के आएगा नो नेम। ये आपकी रिदम बन गई। अब आप सिंक स्टार्ट करके वेरिएशन वन और एक ऑम भी ऑन कर लें तो फिर ये बन गई आपकी रिदम। अब आगे की वीडियोस में, अभी ये जैसे वेरिएशन बन बना है, आगे की वीडियोस में आपको मैं सिखाऊंगा कि फिल्म कैसे बना सकते हैं, इंट्रो एंडिंग कैसे बना सकते हैं और वेरिएशंस आगे कैसे बना सकते हैं, प्लस इस रिदम को अगर क्लियर करना है तो वो कैसे करें, नाम चेंज करना है तो वो कैसे करें, और टोन एडिटिंग की भी बेसिक्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जो वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए। ये कीबोर्ड आजकल बहुत लोगों ले रहे हैं तो उसके ट्यूटोरियल्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए इसी वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा।